ये जी हमारे रोजे की जी प्रिपरेशन, ये जी शरबत। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये मैंने नया ब्लॉग साथ ही स्टार्ट कर दिया है। ये मेरी माँ ने मिली सुबह सुबह उठी हुई मेरी मतोशी दादी। हाँ जी, मैं उठ गई, अब उस 7 बज रहे हैं। मैं अपनी भाभी के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो बाहर कौन है। अच्छा अच्छा, मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। छोटे से मिलाती हूँ भाभी से। मैंने अपने पति को भी नाश्ता दे दिया। जब तुझसे पूछा मैंने उसका बना लिया, तो कह रहे हैं मुझे भी बना दो, तो इसलिए मुझे हो गई देर। मैं रात को सो ही नहीं हूँ, मैंने सुबह जल्दी जाना था, लेकिन ना क्यों ही गई, मैं सोई नहीं मैं रात को। ये जो शहजादी है ना, इसने मुझे सोने नहीं दिया, बिल्ली ने बिल्कुल भी। चलो जी, हम जा रहे हैं जी। बारिश हुई है, रात को भी हुई है, बारिश होती रही है बारिश। ठंड हो रही है भाई। ये रहा जी, ये मोइस का स्कूल, कह रहा है मेरा स्कूल दिखाएं भाई। मोइस का पहले यहाँ पे ये स्कूल था, KZ स्कूल। हाँ, ये अली फैमिली हॉस्पिटल जो कि बंद हुआ है 1 साल के लिए, इसीलिए यहाँ पे ये सुकून है, वरना तो यहाँ इतना रश होता है। हाँ, ये नमूने ऐसे पैदा करने बनाने बंद कर, गजब बेइज्जती है। पढ़ा के वो इतने पागल हो गए कि उन्होंने कहा कि अब हमने करना ही नहीं, इसलिए उन्होंने स्कूल ही खत्म कर दिया ना। उन्होंने कहा इससे ज्यादा नहीं और निकले ही ना कोई, मुल्क का वही ना हो, भला ना हो, मुल्क का भला ना हो ना, तो इसलिए उन्होंने स्कूल ही बंद कर दिया। ऐसे तोहफे बच्चे निकल रहे थे उसमें से इनके स्कूल में से। मम्मी के पास आ गए, अपनी नदी के पास, मम्मा के पास लेते हैं। One eternity later. ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भाभी को हो गई छुट्टी, हम लोग जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह घर। खैरियत से भाभी और बच्चे को लेके, अल्लाह पाक ने उम्र ज़िंदगी दे। और बच्चे बैठे थे जी गाड़ी में, पंगे ले रहे थे उनसे बचा बचू के, बस छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। 2000 years later. ये 3-4 दिन बाद मेरे बच्चे के भतीजे के जी बाल उतरे थे। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसको झंड उतरना कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, खैर तो इंडियंस इन्हें कहते हैं मुंडन। तो हम लोग ये छठी वाले दिन करते हैं, उस दिन ये माशाल्लाह 6 दिन के हो गए थे। इनकी जी हो रही है वे कटिंग हो रही है, माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं रोए हमारे ये शहजादे। और फिर इसके बाद हमने इन्हें नहा धो के तैयार किया था। आपको
डको मार रहे हैं, डको 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 डको। उसको दर्द हो रहा है। दर्द हो रही है, कटिंग करा था आपको? दर्द होता है पीछे से? दर्द होता है आगे से नहीं होता? कोई दर्द नहीं होता छोटी, मैं पीछे से दर्द। आगा मुंडन हो गया मेरी कल्लू बटे। कटिंग करवानी है ना, तो इसलिए ये ड्रामे करके बैठा हुआ है। कैसे 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 बैठे हुए थे? ओ ये लो, इसको तो देख के बिल्ली भागती है। लग गई क्राइम। बोलो। हेलो दादी, क्यों डरते नहीं हो ये? अब बोलो। हेलो बोलो। हेलो चाचा, उठो। ठीक है, कटिंग हो रही है। कटिंग आपकी भी होगी? अच्छी होगी। प्लीज नहीं। अच्छा पापा जी, अच्छी होगी, अच्छी होगी। बात ये कौन है? मम्मी क्या कह रहे? दोबारा क्या लकड़ी की कहा थी? दोरा 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 नहीं उतरेगा। जी काफ़ी दिनों बाद मैं बहुत थक गई थी, बिजी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के साथ काम शाम। तो अभी मैं इधर भाई की तरफ ही हूँ, तो ये मेरा बेटा आया है जी। हेलो गाइस, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ये माशाल्लाह फर्स्ट आया है अपने स्कूल में, क्लास में। जी आज है जी हमारा, मेरा और मेरी बहन का शब रात का रोज़ा, तो उसकी हम करने लगे हैं प्रिपरेशन। आज अरफे का रोज़ा है, कल है शब बरात, आज की इबादत की रात है। अल्लाह पाक हम सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। सुमा ये ले लो, वही ले लो। ये जी ब्लॉग मेरी भाभी ने बनाए हैं जी, हर दफ़ा मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा इब्राहिम नहीं करो, बिल्ली बिल्ली इधर घुस जाती है, छोड़ दो। तो इधर ये मेरी भाभी ने बनाया चने की दाल का, और ये सूजी का सख्त हलवा, ये मैं ये दो बनाती हूँ अपने घर में, जो कि इस दफ़ा मैं नहीं बना रही, मैं इधर हूँ। ये जी बनाया है जी अंडे का, मैंने सैंडविच बनाना है, जो अंडे मैंने उबाल के मैश कर लिए हैं वो इस समय भी आए नहीं। ये जी टैंक के लिए भी शरबत खोल के रखा हुआ है, वो भी आया ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। ये जी हमारे रोज़े की जी प्रिपरेशन, ये जी शरबत, समोसे के हलवे बनाए हैं। The next day. ये जी हमारा दूसरा रोज़ा शब रात का, नेक्स्ट डे। तो ये है हमारी प्रिपरेशन। ये शरबत अजाने शुरू हो गए, अजाने शुरू हो गए। One eternity later. आराम से भाई, रात के इस पर हम जा रहे हैं भाई, मेरे भतीजे की होने लगी है सालगिरह स्टार्ट, तो उसके जा रहे हैं, आप पास ही रहते हैं। मुझे भी ले। हाँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं किधर भाई के? किधर भाई के घर, और वो जेजी मामू के घर। ओके, ये भी होगी पार्टी भी होगी, कुछ खा के आए हुए। रात के 12:30 बज रहे हैं। हादी, अगर भूकंप आया और आप उड़ गए तो ट्रायल तो देखो जरा इसका। ये रास्ते में जी बेकरी थी, मैं और मेरी बहन के लिए केक लेने के लिए रुक गए थे, तो मैंने कहा केक
बेकरी की भी वीडियो बना देते हैं। तो जो कि ये एंड टाइम पे खासे लास्ट थे, क्योंकि अब वो शटर गिराने लगे थे। रात का तकरीबन 1:45 बज रहा था। तो ये हम लोग वो ले रहे थे, मेरी बहन चॉकलेट्स ले रही थी, तो मैंने पूरे बेकरी का व्लॉग बना दिया, वीडियो बना दी। मैं कुछ तो डालूँगी, कंटेंट ही हो जाएगा कोई। केक लेने के बाद हमें याद आया कि हम नाम ही लिखवा रहे हैं, तो अब उसके ऊपर हम नाम लिखवा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सीज़र। और केक लेके और बस फिर हम निकलने लगे थे, उन्होंने शटर भी बंद करने शुरू कर दिए थे। ये जी डिलाइस बेकरी कटारिया मार्केट में है, ये जी मेन रोड पे है, जो कि बंद होने वाली है डिलाइस बेकरी। इसका केक वाकई बहुत मजे का था। भैया के साथ केक पकड़ो, इधर इधर अब्दुल्ला डैड चिट पकड़ो, चलो चिट पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, रात के बज रहे हैं 1 और इस टाइम हम जा रहे हैं घर वापस। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, काय अंगूठा मेरा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।